तो लगातार आज तक पर आप कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो जबरदस्त हलचल है, लेकिन बड़ी खबरें निकलकर वहां से आ रही हैं। आपको बता दें, बंगाल से मंत्री देवोश्री चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और कैबिनेट विस्तार से पहले इस तरह से मंत्रियों की छुट्टी हो रही है। इसके अलावा एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि ये पोर्टफोलियो फिर आगे किसको सौंपा जाता है। लेकिन स्वास्थ्य वजहों से कैबिनेट से बाहर हुए हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इस बात की जानकारी आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और इस पर्टिकुलर समय की भी अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह की समस्याएं थी, उस लिहाज से एचआरडी मंत्रालय की भूमिका अपने आप में बहुत अहम थी। लेकिन बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अनुराग ठाकुर को भी, वित्त राज्य मंत्री के पद पर अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कैबिनेट में आगे प्रमोट किया जाएगा, कैबिनेट रैंक दिया जाएगा। मंजीत नेगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। मंजीत, स्वास्थ्य वजहों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब रमेश पोखरियाल निशंक कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, अभी उनको भी बुलाया गया था 7 अप्रैल, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ऑफिस घर पर, और रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से कहा गया कि कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड भी वो करीब 1 महीने हॉस्पिटल रहे, अभी भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यही वजह उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को कहा गया कि वो फिलहाल मंत्री पद पर नहीं रहना चाहते, और इसी तरह से उनको फिलहाल अब जो जानकारी मिल पा रही है, शाम को जो कैबिनेट विस्तार होगा उससे पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी तरह से कल हमने देखा कि थावरचंद गहलोत को भी हटाया गया, बंगाल से देवश्री चौधरी हैं उनको भी हटाया गया, तो कुछ जो नए लोग आ रहे हैं उनकी जगह जो मंत्री हैं। हालांकि और मुझे देखिए, देखना ये भी होगा कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक बार फिर लीडरशिप में चेंज हुआ है, पुरुषोत्तम धामी आए हैं और राज्य में चुनाव भी हैं, तो उस लिहाज से भी उत्तराखंड को क्या कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, इस पर नजरें होंगी। फिलहाल उत्तराखंड की तरफ से अगर रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया है मीनाक्षी, तो उनकी जगह पर अजय भट्ट जो कि सांसद हैं नैनीताल से, उनको शामिल किए जाने की बात है। वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी दिखाती है कि वो भी शाम को राज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट विस्तार में शामिल होंगे। हालांकि ये पूरा जो विस्तार है इसको लेकर सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर मीनाक्षी मंत्रियों को हटाया और उन्हें उनका प्रमोशन या नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। जी, शुक्रिया मंजीत इस जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो अजय भट्ट मौजूद हैं आज इस बैठक में जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। वहीं बंगाल से मंत्री देवश्री चौधरी को भी हटाया गया है। हिमांशु मिश्रा मौजूद है प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ। हिमांशु, नई जानकारी कुछ पहुंच रही है आपके पास? जी बोलिए। बैठक चल रही है और एक घंटे। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि एक नाम और जोड़ लीजिए जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, वो है सदानंद गौड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं, वोकालिका समुदाय से आते हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे अनंत कुमार के बाद, उनको ये मंत्रालय दिया गया था डेथ के बाद, और वही कंटिन्यू किया गया था 2019 से लेके अभी तक, और स्टेटिस्टिक भी था उनके पास। लेकिन जो हमारी सूचना मिल रही है, सदानंद गौड़ा को भी ड्रॉप किया जा सकता है। उनको भी साफ साफ पार्टी की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि आज शाम तक आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं इस वक्त, येदुरप्पा के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी के अंदर आवाज उठने लगी है, ये कहा जा रहा था कि सदानंद गौड़ा उन आवाजों को बल दे रहे हैं, और सदानंद गौड़ा की परफॉर्मेंस को जिस तरीके से देखा गया कोविड के दौरान, क्योंकि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर ही जो है मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स आती हैं, और उसको लेकर पूरी कमान जो है वो उनके MOS मनसुख मंडाविया ने संभाली थी। सदानंद गौड़ा अगर आप देखें तो पूरी पिक्चर में बहुत कम नजर आए थे जब कोविड की दूसरी लहर थी और मेडिसिन को लेकर त्राई त्राई थी, रेमडेसिविर हो या ब्लैक फंगस की मेडिसिन हो, उन सब को लेकर जब त्राई त्राई थी तब सदानंद गौड़ा कहीं पिक्चर में नजर नहीं आते थे। मनसुख मांडविया ने जो है मोर्चा संभाला और पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और फीडबैक लेकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप किया, और उसके बाद जो है एक किस्म से ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी मनसुख मांडविया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के अंदर जिन कंपनियों के साथ टाई अप कराने में वो बहुत बड़ी भूमिका मनसुख मांडविया की थी, इसलिए सदानंद गौड़ा को ड्रॉप किया जा सकता है। और बड़ी बात, अब
ये कह सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई है। मैं अपने कैमरामैन कृपाल सिंह से कहूंगा, एक सेकंड शॉट दिखाएं। नारायण राणे निकल रहे हैं सबसे पहले पहुंचने वालों में नारायण राणे थे, और सबसे बाद में थे मनोज तिवारी भी जो है शायद वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन नारायण राणे नारायण राणे जो है वो है। अब उसके बाद आप देखिए कि लगातार गाड़ियों का सिलसिला, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं आपको कि शॉट्स ये निकलने लोग शुरू, और नारायण राणे सबसे पहले पहुंचे, सबसे बाद में नितिन गडकरी निकले हैं नंबर दो पे महाराष्ट्र से, तो नितिन गडकरी भी यहां पर थे, और आरसीपी सिंह आए हैं जो जेडीयू से हैं, वो भी निकले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा लगातार जो है ये तस्वीरें आज तक के दर्शकों को दिखाई जाए। क्या बैठक खत्म हो गई है, ये मान लिया जाए बैठक खत्म हो गई है मानसू? अब बैठक जी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल बैठक खत्म हो चुकी है, और जिन लोगों को जो संदेश प्रधानमंत्री ने देना था कि आगे किस तरीके से कामकाज करना होगा, किस तरीके से आपको अपने मंत्रालय के अंदर परियोजनाओं को ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए काम करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं, और अब ये बैठक खत्म जी। हम चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है पीएम आवास से ही। चित्रा देखिए बैठक खत्म हो गई है, और यहाँ से अब दिख रहा है गाड़ियों का, मंत्रियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन बड़ी खबर का इंतजार अब भी है कि आखिर किन चेहरों के नाम पर फाइनल मोहर लगी है। बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, जो बड़े चेहरे जो ऑलरेडी मंत्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं तो उनका तो स्पष्ट है, लेकिन जो नए चेहरे बाहर निकल रहे हैं, मैं एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी आपको। बता दें कि मीडिया का भारी जमावड़ा है, और ये पीएम आवास के पीछे की गेट की तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, चूंकि एक एक करके तमाम वो चेहरे जिनको बुलाया गया था यहाँ पर आगे की रणनीति के लिए, जिनको बधाई देने के लिए, टी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाया गया था, ये दरवाजा खुल रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे गाड़ियों का ये लंबा काफिला है, सिक्योरिटी में भी गाड़ियां लगाई गई है आगे की तरफ, बिल्कुल आप देखेंगे, और मीडिया कर्मी दूसरी तरफ थे लेकिन अब इस साइड आ गए हैं क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, और एक एक करके तमाम जो चेहरे हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है, क्योंकि एक तरफ कोविड काल के बाद से निकली हुई चुनौतियों से निपटना है, उसके बाद अगले ही साल उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें प्रमुख चेहरों को शामिल करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम राज्यों में बड़ा मैसेज देना है, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले ही साल के आखिर में चुनाव है 2022 में, वहां के चेहरों को भी शामिल करना है, और इन सब के बीच महंगाई भी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहां पर मीनाक्षी लगातार मैं देख रही थी, आप इस बात का जिक्र कर रही थी कि पहले तो कैबिनेट छोटा था और बार बार मिनिमम गवर्नेंस की बात कही जा रही थी प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन इस बार उसका रूप इतना व्यापक क्यों किया जा रहा है? कोरोना काल के बाद निकली हुई चुनौतियों से निपटना एक बड़ी स्थिति सरकार के सामने है, और इसी वजह से अब कम से कम जिम्मेदारियों का बंटवारा इस तरह से होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास दो दो तीन तीन अहम अहम बड़े बड़े मंत्रालय हैं, और यकीनन किसी एक चेहरे के भरोसे हर एक मंत्रालय को साथ पाना इतना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि अब तमाम युवा चेहरों को भी, और जैसा कि निशंक जी की बात कही जा रही थी, हिमांशु ने हमें ब्रेकिंग न्यूज दी कि उन्हें उत्तराखंड से हटाया जा रहा है, अजय भट्ट को लेकर आया जा रहा है। देखिए अजय भट्ट ये वो चेहरा है, तकरीबन 330,000 से ज्यादा मतों से हरीश रावत को इन्होंने 2019 में मात दी थी, और उसके बाद अब विधानसभा के इलेक्शन भी होने हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां की 70 में से मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने जीत दी थी, और अब तक का इतिहास है उत्तराखंड में उतनी सीटें किसी भी और पार्टी को नहीं मिली थी, उसको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से इन तमाम चेहरों के जरिए उत्तराखंड की जनता अब खुद भी वहीं से, बिल्कुल यही सारे समीकरण साधे भी जा रहे हैं। हिमांशु के पास कुछ और खबर है। जी हिमांशु बोलिए, बोलिए हिमांशु। देखिए मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहेंगे इस कैबिनेट में, 18 फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ जो है 39 फॉर्मर एमएलए हैं जो एमपी चुनकर आए हुए हैं, 23 एमपी हैं जो कि तीसरा टर्म है जिनका, तीसरे टर्म से ज्यादा है, 13 वकील होंगे, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 सिविल सर्वेंट, 46 मिनिस्टर्स का जो है एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एवरेज एज जो है कैबिनेट की वो 58 ईयर है, 14 मिनिस्टर जो हैं वो 50 साल से नीचे एज के होंगे, 11 महिलाएं जो है वो मंत्री हैं इस काउंसिल में, जिसमें से 2 कैबिनेट हैं,
मंत्री 18 कास्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो 5 माइनॉरिटीज मिनिस्टर्स, 1 मुस्लिम, 1 सिख, 2 बुद्धिस्ट, 1 क्रिश्चियंस, यानी कि कोई क्रिश्चियंस को भी यहां से जो है वो जगह दी जा रही है। 27 ओबीसी मिनिस्टर्स का जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगा इस कैबिनेट में। 8 एसटी स्टूल जो है ट्राइबल्स मिनिस्टर होंगे और 12 जो है शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर होंगे, जिनमें 2 कैबिनेट रैंक होंगे। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि जो बात मैं कह रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक अनुभव वाले लोग और जिनके पास राजनीतिक अनुभव है, उन सबको समाहित किया गया है इस कैबिनेट के रिसफल के बाद। आपको दिखेगा जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं वो आंकड़े आने वाले दिनों में इस कैबिनेट में आपको दिखेंगे। आज शाम के बाद ये कहा जा सकता है कि कास्ट कॉम्बिनेशन, राजनीतिक चुनावी समीकरण, जातिगत समीकरण और साथ ही साथ प्रशासनिक अनुभव, यूथ और साथ में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है इस कैबिनेट में। तो ये माना जा सकता है कि 2022 का जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद साल के अंत में जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने हैं, उसमें इन सब लोगों को देखा जाए तो एक चुनावी स्ट्रेटेजी के तहत और अनुभव के आधार पर और युवाओं को जो है वो जगह दी गई है इस कैबिनेट में, क्योंकि जो एज है कैबिनेट की वो 58 है और ऐसे जो मंत्री हैं जिनकी एज जो है 50 साल से कम है वो 14 मंत्री हैं, यानी कि एक यूथ रिप्रेजेंटेशन को भी दिया गया मौका। और साथ में मीनाक्षी बड़ी बात ये कि आप देखिए कि अनुभव को भी दिया है, राजनीतिक अनुभव जिनके 3 टर्म से ज्यादा के भी मंत्री हैं इसके अंदर, 23 एमपी ऐसे जिनके 3 टर्म से ज्यादा सांसद हो गए हैं और 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को इस कैबिनेट में जगह दी गई है, 18 फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर है जिनके पास अनुभव है सरकार के अंदर काम करने का। और कास्ट में अगर आप प्रोफेशनल्स में देखें 13 लॉयर्स, 6 डॉक्टर्स, 5 इंजीनियर, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट, यानी कि जिनके पास प्रशासन। और हिमांशु इस वक्त हमको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आज तक के पास ये पूरा कैबिनेट का खाका मौजूद है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी इसको इस वक्त आपको हम कैबिनेट विस्तार को लेकर दे रहे हैं। कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे, 18 पूर्व राज्य मंत्री शामिल होंगे, इसके अलावा 11 महिलाएं कैबिनेट का हिस्सा होंगी, 27 ओबीसी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और अगर एक एवरेज एज की बात करें तो 58 वर्ष, यंगेस्ट कैबिनेट आप इसे कह सकते हैं। चित्रा के पास और जानकारी इस वक्त है, पीएम आवास पर ही चित्रा मौजूद है। जी चित्रा बोलिए। देखिए ये काफिला मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये गाड़ी है और इस गाड़ी से राजनाथ सिंह यहाँ पर निकल रहे हैं और अगली गाड़ी देखिए एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सभी लोग निकल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी आगे चली गई है और ये अब अगली गाड़ी आ रही है। मैं जल्दी से देखना चाहूंगी कि आखिर इसमें किसकी मौजूदगी है। आपको बता दें एक तरफ कहा जा रहा है कि गृह मंत्री, मैं देख कर आपको बताती हूँ, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इसमें बैठे हुए हैं। आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस गाड़ी में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी चली इस मुलाकात के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ से जा रहे हैं। सबसे आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी थी, गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं और अब ये तीसरी गाड़ी है, गाड़ी फिलहाल खाली है। एक एक करके जितने भी लोग मुलाकात करने के लिए आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अब यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। ये गाड़ियों का लंबा काफिला आपको दिखाई दे रहा है और अब जाहिर तौर पर सभी के चेहरे भी खिले हुए हैं, सभी को बधाइयों के संदेश भी आ रहे हैं, बहुत सारे आप देख पा रहे हैं एक एक करके ये गाड़ियों का काफिला इस वक्त। और अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, अगली गाड़ी में ऐसा लग रहा है कि हरदीप सिंह पुरी साहब थे, उनके पास भी कई अहम जिम्मेदारी है यकीनन इन तमाम मंत्रियों के जरिए, छिट्टी पार्टी के जरिए। और ये एक गाड़ी और आगे चली गई है, मैं देख कर बता पा रही हूँ। एक एक करके यहाँ दूसरी तरफ भी आप दिखाइए, अंदर से प्रधानमंत्री आवास से जो गाड़ियां निकल रही हैं, ये तमाम वो चेहरे जो अब तक सांसद थे लेकिन इन सभी को अब अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आप देख पा रहे हैं गाड़ियों के इस काफिले के जरिए ही ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मीटिंग खत्म हो गई, सभी को बधाई दे दी गई और अब अहम मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी के साथ ही अग्रिम शुभकामनाएं भेजने के साथ अब इन लोगों की विदाई कर दी गई है। एक एक करके ये तमाम गाड़ियां आगे की ओर जाती हुई हालांकि कोई बातचीत करने के लिए तैयार
करनी है। देखिए सुबह से ही हमने तमाम लोगों को फोन लगाया, लेकिन चित्रा इस बीच हमारे पास और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज तक के पास इस कैबिनेट का पूरा खाका इस वक्त मौजूद है। हिमांशु हमें तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर ये भी आ रही है कि संतोष गंगवार ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि लगातार अब ये चौथा नाम सामने आया है, इससे पहले देबूश्री चौधरी, रमेश पोखरियाल निशंक, उसके बाद सदानंद गौड़ा, और अब यहां पर नाम सामने आ रहा है संतोष गंगवार का भी कि उन्हें भी कैबिनेट से हटाया जा रहा है। लेकिन इस पर पुख्ता जानकारी का हम और थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से कैबिनेट का यह स्वरूप बदला गया है, जिसकी जानकारी हिमांशु भी दे रहे थे। पूर्व सीएम 4 कैबिनेट में शामिल होंगे, 11 महिलाएं भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, 27 ओबीसी नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा वकील, डॉक्टर्स, इन्हें भी जगह दी गई है। हिमांशु ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और हिमांशु, सबसे बड़ी बात जो मोटे मोटे तौर पर उभर कर दिखाई देती है, राज्यों के रिप्रेजेंटेशन से अलग, प्रशासनिक अनुभव से अलग, युवाओं को भरपूर मौका दिया गया है। एवरेज एज 58 साल है कैबिनेट की। देखिए बिल्कुल 58 साल एवरेज एज है और 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी एज 50 साल से कम है, तो ये कहा जा सकता है कि इस सरकार में युवाओं को बहुत मौका दिया गया है मीनाक्षी, और इस कैबिनेट एक्सपेंशन में तो युवाओं को ज़्यादा मौका है पिछली बार से वनस्पत देखा जाए। और ये जरूर कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज के 5 मंत्री हैं, जिनमें से 1 मुस्लिम, 1 सिख, 2 बुद्धिस्ट, 1 क्रिश्चियन, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फेरबदल। 27 ओबीसी फेस होंगे, जिनमें से 5 कैबिनेट रैंक होंगे उनके पास, 8 एसटी मिनिस्टर हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब, उनमें से 3 कैबिनेट रैंक हैं, और 12 एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर हैं, जिनमें से 2 कैबिनेट रैंक है। तो सोशल इंजीनियरिंग, मैंने आपको पहले भी बताया, चुनावी गणित और साथ ही साथ जो है जातिगत समीकरणों को देखकर और अनुभव और उनके ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव के साथ साथ और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ जो है इस कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। एक पूरी कहे तो पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 महीने में यह कवायद की है। उन्होंने एक एक मंत्री के मंत्रालय की जो है समीक्षा की, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की, अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जो है वो साझा की, और उसके बाद ही ये तय किया कि किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसको मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। फिर 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनके साथ गुजरात, हिमाचल और साथ ही साथ बंगाल और महाराष्ट्र को ज्यादा तवज्जो दी गई इस कैबिनेट विस्तार के अंदर। बिहार से उनके 2 सहयोगी दल जेडीयू और साथ में एलजेपी, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। एलजेपी के पहले रामविलास पासवान थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है कैबिनेट उनके एक कह सकते हैं कि जगह खाली थी, और उसके लिए पशुपति पारस को लाया गया है। जेडीयू ने 2019 में कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इस बार आरसीपी सिंह यहां पर नजर आए हैं, तो जाहिर तौर पर जेडीयू की मांग को जो है वो मान लिया गया है। और साथ ही साथ एक हम सबको ध्यान देना होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन का भी शायद या तो उनका मंत्रालय बदला जा रहा है या उनको ड्रॉप किया जा रहा है, ये मेरी जानकारी है। अभी इस पे मैं चीज नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है पहले तमाम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर भी आप इनपुट दे रहे हैं कि या तो उनका मंत्रालय बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन इस पर पुष्टि का और इंतजार करना पड़ेगा। चित्रा भी वहां पर मौजूद है। चित्रा, देखिए जिस बात का जिक्र यहां पर हिमांशु कर रहे थे, एलजेपी का, जेडीयू का, कहीं ना कहीं एक कोशिश ये भी दिखाई दी कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर लग रहे थे कि अपने सहयोगी दलों को आप संभाल नहीं पाए, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश ये भी गई है कि सहयोगियों को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाले चुनावों में बढ़ेंगे। ये इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम सब ने देखा है कैसे सहयोगियों का साथ एक एक करके छूटता हुआ चला गया, चाहे पंजाब में अकाली दल की हम बात करें, दूसरे भी जगहों से तमाम सहयोगी उसके छिटकते हुए बिखरते हुए चले गए। और जेडीयू का साथ इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मीनाक्षी इस बात को समझना होगा। 2024 के चुनाव के दरमियान हम सब जानते हैं कि बिहार किस तरह से एनडीए के लिए काफी ज्यादा फलीभूत रहा है। वहां की 40 में से 17 सीटें बीजेपी जीतती है, 16 सीटें जेडीयू जीतती है, और उसके बाद बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है। और इतना बड़ा मैंडेट अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी एनडीए के लिए रहा है, और जेडीयू को अलग करना मौजूदा बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है। देखिए चिराग पासवान बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं और इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी ओर से पशुपति पारस को लेकर कोर्ट में भी जाने की बात कही गई, लेकिन इस बात को और भी समझना होगा। देखिए चिराग पासवान के फैमिली में
जो कुछ भी चल रहा है उससे इतर नीतीश कुमार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती मौजूदा विधानसभा में जो हम सब ने बिहार में देखा था वो किस तरह से पैदा करके गए। यही कारण है कि तीसरे नंबर पर जेडीयू आ गई थी और यहाँ पर फिर से कुछ और गाड़ियां हैं जो आनी शुरू हो गई है। देखिए एक एक करके यहाँ पर गाड़ियों का सिलसिला लगातार जारी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभी भी चेहरे हैं जो अंदर मौजूद है धीरे धीरे करके निकलते हुए। और यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तमाम ये सांसद जो अब मंत्री बनने के लिए बेकरार है। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ न्यूज डायरेक्टर राहुल कमल भी जुड़ गए हैं। राहुल देखिए जिस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबर अभी निकलकर मोटी मोटी सामने आ रही है, चार पूर्व सीएम, एवरेज एज कैबिनेट की 58 साल, 11 महिलाएं कैबिनेट में है, डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, लॉयर्स को शामिल किया गया है, ओवरऑल क्या मैसेज यहां से आगामी चुनावों के लिए और देश के बाकी हिस्सों के लिए जा रहा है? इस रिशफल के जरिए प्रधानमंत्री जो संदेश देश की जनता को भेज रहे हैं वो ये कि उन्होंने बहुत तवज्जो इस बात पे दी है कि उनके नए मंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे। इस नए कैबिनेट में 7 PhDs हैं, 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास MBA डिग्रीज हैं, 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 सरकारी अफसर हैं जो कि IAS में रह चुके हैं, अलग अलग सरकारी विभागों में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, 68 ऐसे मंत्री होंगे जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री होगी। तो कि मंत्री पढ़े लिखे कायदे के होने चाहिए, कम से कम ये कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। दूसरी जो कोशिश की है वो ये कि जो देश के पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, उनको एक तरीके से सरकार ने सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, ये मैसेज भेजा जा रहा है। कुल मिला के हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक 12 दलित समुदाय के मंत्री होंगे और ये 12 के 12 ऐसे हैं जो कि अलग अलग SC कम्युनिटीज के होंगे। ये बहुत ठोस जानकारी हमारे पास मिली है। कुल मिला के 27 OBCs अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनके मंत्री इस कैबिनेट में होंगे, जिनमें से 19 बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज के हैं, यानी कि यादव, कुर्मी, जाट, दर्जी, कोली, वोकलेगा। 27 कुल मिला के OBC मिनिस्टर्स 19 अलग अलग बैकवर्ड कास्ट से, इनमें से 5 ऐसे मिनिस्टर्स होंगे जो कि फुल रैंक होंगे इस कैबिनेट के अंदर। 8 ट्राइबल मिनिस्टर्स यानी ST कम्युनिटीज के 8 मंत्री होंगे, जिनमें से 7 अलग अलग ST कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक समाज है, उससे हमारी जानकारी के हिसाब से 5 मंत्री होंगे। इसके अलावा जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस, क्षत्रिय, लिंगायत, पटेल, मराठा और रेड्डी, इन जातियों के 29 मंत्री इस कैबिनेट में होंगे। इसके अलावा हमारी जानकारी के हिसाब से 11 महिलाएं होंगी इस कैबिनेट के अंदर, जिनमें से 2 को फुल कैबिनेट रैंक है। इसके अलावा कोशिश ये की गई है कि जितना ज़्यादा हो सके यूथ को, युवाओं को मौका दिया जाए। इस लिहाज से 14 कुल मंत्री होंगे जिनकी उम्र 50 साल से कम है, जिनमें से 50 कुल इससे क्या होगा कि जो टोटल एवरेज एज है कैबिनेट की वो 58 साल पे आ जाएगी। 6 ऐसे मंत्री हैं जो कि फुल कैबिनेट रैंक के होंगे, जिनकी उम्र 50 साल से कम है। 46 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग राज्य सरकारों में मंत्री का काम किया हुआ, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 46 ऐसे मंत्री जिन्होंने अलग अलग वक्त पे अलग अलग राज्य सरकारों में काम किया हुआ। इसके अलावा 23 मंत्री ऐसे हैं जो कि 3 से ज़्यादा दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, जिनको पार्लियामेंट के कामकाज का, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का अच्छा अनुभव है। 4 एक्स चीफ मिनिस्टर्स इस कैबिनेट में होंगे। 18 मिनिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में रह चुके हैं मिनिस्टर के तौर पे, और 39 ऐसे हैं जो कि MLAs रह चुके हैं अलग अलग राज्य सरकारों में। 5 मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट से हैं, और कुल मिला के अगर आंकलन किया जाए तो इस रिशफल के बाद देश के 25 अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के मिनिस्टर्स इस कैबिनेट में होंगे। और खासी तवज्जो इस बात को दी गई है, जैसे कोई बड़ा राज्य हो उत्तर प्रदेश जैसा, वहाँ के हर क्षेत्र के, हर सब रीजन की, हर कम्युनिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि ये पूरे देश की एक तरीके से कैबिनेट हो। इस पर प्रधानमंत्री ने खासी तवज्जो दी। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। आज तक को मिले सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक आज होने वाले विस्तार में 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। विस्तार को लेकर सुबह से पीएम आवास में हलचल जारी है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री निशंक को हटा दिया गया है। अल्पसंख्यक कोटे से 5 मंत्री होंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कैबिनेट में 11 महिलाओं को शामिल किया गया है।
हिमांशु मिश्रा और ज्यादा डिटेल्स जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, डिटेल्स मिल रही है क्या? पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा, किन चार लोगों को इस्तीफा देना होगा, किनका एलिवेशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुराग ठाकुर जी, किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला के साथ साथ हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह और मनसुख मांडविया को भी प्रमोशन मिल रही है। तो हरदीप सिंह पुरी को जो प्रमोशन मिल रहा है वो सिख हैं और साथ ही साथ पंजाब के चुनाव हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको प्रमोट किया जा रहा है। उनके पास अभी तीन मंत्रालयों का भार था, वो सिविल एविएशन मंत्री थे, शहरी विकास मंत्रालय थे और कॉमर्स मिनिस्ट्री में MOS थे। तो उसके अलावा अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है, वो MOS फाइनेंस थे, हिमाचल में चुनाव है और वो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। प्रेम कुमार धूमल लगभग तीन बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ। और उसके अलावा मनसुख मांडविया, वो भी पटेल समुदाय से आते हैं, वो भी लेवा पटेल हैं और इसीलिए उनको अब जो है इंडिपेंडेंट चार से कैबिनेट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रूपाला जो पटेल समुदाय से हैं, कड़वा पटेल हैं, उनको MOS से इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी या कैबिनेट, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। हरदीप पुरी के अलावा आरके सिंह स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उनके पास पावर मिनिस्ट्री थी, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये जरूर है कि कुछ लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा है और कुछ को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने वाले में जो जानकारी है, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, देवश्री चौधरी और साथ ही साथ रमेश निशंक पोखरियाल, ये वो लोग हैं जिनको ड्रॉप किया गया अभी तक की जानकारी के अनुसार। लेकिन हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, या तो उनका मंत्रालय चेंज होगा या उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि यूथ को भी यहाँ पे मौका दिया गया है, अनुभव को, राजनीतिक अनुभव के आधार पर भी, और जिनके पास एक्सपीरियंस है प्रशासनिक, चाहे वो स्टेट के अंदर मंत्री रहे हो या कैबिनेट में, केंद्र में, उन सबको इंडक्ट किया जा रहा है। और प्रोफेशनल्स भी हैं जिसमें लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जिन जो सिविल सर्वेंट रहे हैं, यानी प्रशासनिक सेवाओं में जो है सर्विस कर चुके हैं, उन सबको इस यहाँ लाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उनके PS थे, राज्यसभा से सांसद हैं, उड़ीसा से आते हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ लाया जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि प्रशासनिक अनुभव को भी यहाँ पे जगह दी जा रही है और साथ ही साथ कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है, क्योंकि पांच राज्यों के जो चुनाव हैं उसके साथ साथ गुजरात और हिमाचल को भी तवज्जो दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुजरात से दो मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला है उनको MOS से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा और मनसुख मांडविया जिनके पास शिपिंग कॉरपोरेशन और जो है केमिकल फर्टिलाइजर में वो MOS थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट बनाया जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, उनको अब शिपिंग मंत्रालय की जगह जो है केमिकल फर्टिलाइजर का फुल फ्लेजी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जब कोविड की दूसरी लहर थी तो वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया और वैक्सीन को लेकर दोनों कंपनियों के अलग अलग कंपनियों से टाई अप कराए और साथ ही साथ स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसका भी यहाँ की इंडियन कंपनीज और लैब के साथ उन्होंने टाई अप कराया था, इसका रिवार्ड उनको मिलेगा। रेमडेसिविर की जब कमी खल रही थी, देश में त्राही त्राही थी, तब उन्होंने आगे आके मोर्चा संभाला था और कई कंपनीज के साथ टाई अप करके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश भी की और उसमें उनको सफलता भी मिली। तो मनसुख मांडविया को जो है वो प्रमोशन मिल रहा है, पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आरके सिंह बिहार से आते हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनके पास, वो होम सेक्रेटरी रहे हैं केंद्र में और जो है अगर उनकी कास्ट इक्वेशन देखा जाए तो वो जो है राजपूत हैं और उनको पहले से ही इंडिपेंडेंट चार से अब जो है कैबिनेट बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि सारी चीजों को देखकर सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी समीकरणों के हिसाब से ये कैबिनेट एक्सपेंशन है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट पहले से ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगी। और आज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि आपके पास कोई भी फाइल आती है उसको आप जल्द से जल्द निपटाएं, उस पर फैसला करें, क्योंकि फाइल को होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से आप मिलें, सांसदों से आप मिलें, पार्टी के नेताओं से मिलें, जो फीडबैक आता है उसको देखें,
समझें और उसके आधार पर काम करें। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को जमीन तक कैसे तेजी से लेके जाया जाए जिससे आम आदमी को उसका जेपी नड्डा के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं। पटना से सुजीत झा हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे पीएम आवास के बाहर से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई। चित्रा, एक बात तो साफ है, जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाता है उसके पीछे एक सोच होती है, वो सोच साफ तौर पर दिखाई दे रही है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाए, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बांटे जाए, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से चुनाव के मद्देनजर अलग अलग नेताओं को जो क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं उनको भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इन तमाम बातों को सम्मिलित किया गया है आज के एक्सपेंशन में। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कम से कम कैबिनेट को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बातें आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। जो बात आपने कही है नेहा वो बिल्कुल सही है, मौजूदा वक्त में चुनावी रणनीति के लिहाज से आगे बढ़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां को लेकर यहां पर कई बड़े चेहरे जिनको शामिल किया जा रहा है, अनुप्रिया पटेल पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं और भी तमाम दूसरे नाम, इसके अलावा अनुराग ठाकुर का प्रमोशन करके हिमाचल प्रदेश में जहां ही साल आखिर में चुनाव होने हैं, अनुराग ठाकुर की भी गाड़ी यहां से गुजरते हुए गई, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हम लोगों ने सवाल पूछे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यकीनन उनका प्रमोशन करके एक बड़ा मैसेज हिमाचल प्रदेश में देने की कोशिश की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी जिनके पास पहले से ही कई मंत्रालय हैं लेकिन जैसा हिमांशु बता रहे थे कि उन्हें और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और यकीनन उनका कद पहले से भी बड़ा है, उनके जरिए पंजाब में बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है। निशंक साहब को हटाया गया जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा नाम, और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य का हवाला देकर कोरोना काल के बाद लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से उनको ड्रॉप कर अजय भट्ट को उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी वहां पर चुनाव होने हैं और सरकार बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड में भी होने जा रही है। अजय भट्ट जिन्होंने हरीश रावत जैसे कांग्रेस पार्टी के बेहद कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री को 3,30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था 2019 के इलेक्शन में, नैनीताल से वो सांसद हैं और यकीनन उनके चेहरे के जरिए भी बीजेपी उत्तराखंड में आगे बढ़ना चाहती है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। चुनावों पर पूरी नजर है और चुनावों के मद्देनजर ही यकीनन इस फेरबदल को देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार जब भी हम लोग डिबेट करते हैं, मीनाक्षी आप भी जानती हैं, लगातार उन लोगों का यही सवाल होता है। और जिस बात का जिक्र यहां पर हिमांशु कर रहे थे कि देखिए अब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो भी फाइल आपके पास आए उसको तुरंत निपटाइए, ऐसा ना हो, हम सब जानते हैं कि नौकरशाही में अफसरशाही में किस तरह से फाइलें दब जाती हैं, काम को होल्ड कर दिया जाता है, आम आदमी के लिए परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपने लिए राहत का इंतजार करता है और फाइलें एक से दूसरे मंत्रालय या एक से दूसरे डिपार्टमेंट इस तरह से ट्रैवल करती रहती हैं। तो सीधे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी काम आता है तो प्राथमिकता के तौर पर उसको लीजिए और उसको तुरंत सॉल्व करके ताकि नजर बनाए रखिए चित्रा, क्योंकि गहमा गहमी पीएम आवास में आज जारी है और आज शाम 6 बजे सबकी नजर टिकी हुई है जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, हमने देखा है कितनी अहम भूमिका जेपी नड्डा निभाई है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, आज के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में उनकी क्या भूमिका रही? देखिए नड्डा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोसेस में शामिल रहे, हर मीटिंग में मौजूद रहे, जब भी मंत्रियों को ग्रुपों में बुलाया गया था उस वक्त भी जयप्रकाश नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे, और उसके बाद भी जो भी एक्सरसाइज हुई, किसको ड्रॉप करना है, किसको इंडक्ट करना है, किसका प्रमोशन करना है, जयप्रकाश नड्डा हर मीटिंग का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री बहुत उनको मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको साथ लेके चलना ही है, लेकिन पूरी प्रोसेस का हिस्सा थे जयप्रकाश नड्डा और उन्हीं की सहमति से तमाम ये कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जयप्रकाश नड्डा समय समय पर प्रधानमंत्री उनकी सलाह लेते रहे हैं और प्रधानमंत्री की खास च्वाइस से ही अमित शाह और नड्डा प्रधानमंत्री की च्वाइस से वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस प्रोसेस में उनकी अहम भूमिका है, उनकी सलाह भी काफी मायने रखी गई है इस प्रोसेस के अंदर। और मैं आपको बता दूं इस जो आज मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने बाकी चीजें तो कही, डिलीवरी को लेकर बोला, सबको शुभकामनाएं दी नई भूमिका को लेकर के, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते रहे हैं मंत्रियों को और नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के दूसरे लोगों को, मीडिया से दूरी बनाकर। हिमांशु के पास कुछ ताजा जानकारी, कोई अपडेट है हिमांशु? हिमांशु क्या जानकारी मिल रही है? इनका ऐसे 7 मंत्री को प्रमोशन
देखिए किरण रिजिजू जो अरुणाचल से सांसद हैं वर्तमान में एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का और वो एमओएस है माइनॉरिटी अफेयर्स में और अभी वो कुछ काम देख रहे थे आयुष मंत्रालय में, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ये मेरी पूरी पुख्ता जानकारी है कि किरण रिजिजू का प्रमोशन होने जा रहा है। आर के सिंह, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया के साथ साथ जो है वो अब किरण रिजिजू का भी प्रमोशन हो रहा है। पिछली सरकार में जब 2014 से 19 तक वो जो हैं वो एमओएस थे, गृह राज्य मंत्री थे, इस बार उनको प्रमोशन दिया गया था, स्पोर्ट्स मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास और साथ ही साथ जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स थे। लेकिन जब श्रीपद नाइक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनको जो है एक एडिशनल चार्ज दिया गया था आयुष मंत्रालय का, तो ये माना जा सकता है कि इस बार भी उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज है उन पे। तो ये एक तरीके से यूथ को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखिए जिन लोगों का प्रमोशन है, अगर उन्हें ज्यादातर देखें, मनसुख मांडविया, हरदीप पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को छोड़ दें और आर के सिंह को, तो अनुराग ठाकुर को प्रमोशन, जी किशन रेड्डी को प्रमोशन, किन रिजिजू को प्रमोशन, ये वो लोग हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा जी, इनका काज बढ़ेगा। हिमांशु आपसे गुजारिश है, जहां पर आप खड़े हैं तो थोड़ी दूर चले जाएं, डबल ऑडियो आ रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुजीत झा का रुख करना चाहेंगे। सुजीत, जेडीयू से कौन कौन मिलने पहुंचा था, इस पर सुबह तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी, आप इस पर जानकारी दे सकते हैं कि जेडीयू से कौन कौन मिलने पहुंचा प्रधानमंत्री से? देखिए जेडीयू से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही मिलने गए थे और जैसा कि नीतीश कुमार ने भी बताया था कि चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए वो अधिकृत हैं ये बातचीत करने के लिए कि कौन कौन मंत्री बनेगा। तो अभी तक की जानकारी में जो मीटिंग भी हुई है उसमें भी केवल आरसीपी सिंह ही गए थे और उनके साथ पशुपति कुमार पारस थे जो कि एलजेपी के जो टूट वाले भाग से हैं। तो ऐसे में अभी तक की जो मुलाकात है वो दो लोगों की है लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। आपके पास सहयोगी राहुल कावल इस वक्त न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी? हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुल मिला के एक संदेश भेजा गया है जो कि उनके एक स्लोगन को थोड़ा सा बदला गया है कि अब की बार ओबीसी सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ ही महीने बाद हैं और वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा परफॉर्म करना है तो अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनका साथ जैसे 2017 में और उससे पहले 2014 के चुनाव में सरकार को मिला और साथ ही साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वो बहुत जरूरी है। तो उन चुनावों पर नजर रखते हुए एक बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री की तरफ से इस कैबिनेट रिशफल के जरिए भेजा जा रहा है वो ये कि अब की बार ओबीसी सरकार हो। इस वजह से कहा जा रहा है कि सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस रिशफल के बाद 27 ओबीसी मंत्री होंगे जो कि 19 अलग अलग अति पिछड़ी जातियों से आएंगे जिनमें यादव, कुर्मी, जाट, दर्जी, वोकलिगा, कोली शामिल हैं। इसमें से 5 मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जिनको फुल कैबिनेट रैंक है। तो प्रधानमंत्री खुद एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में और देश के बाकी जगहों में ओबीसीज ने बीजेपी का जमकर साथ दिया है बीते चुनावों में और वो बरकरार रहे इसके लिए अब की बार ओबीसी सरकार, ये एक खास कम से कम मैसेज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, पढ़ाई लिखाई, किस तरह की डिग्री उनके पास है, इस पर जोर दिया गया है। हमारे पास जो ठोस जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस कैबिनेट रिशफल के बाद 7 पीएचडी सरकार में होंगे, 13 ऐसे मंत्री जिन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है, 13 वकील, 6 डॉक्टर्स, 5 इंजीनियर्स, 7 सिविल सर्वेंट्स यानी कि अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, विभागों में काम कर चुके आईएएस ज्यादातर, और 68 मंत्री जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है। एक और जो बड़ी कोशिश वो ये कि सरकार की जो एज प्रोफाइल है यानी कि एक युवा जोश नजर आए मोदी सरकार में, इस पर खास ध्यान दिया गया है और इसके तहत 6 ऐसे मंत्री होंगे जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं जो कि फुल कैबिनेट रैंक के हैं। कुल मिला के 14 मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। अगर आप एवरेज एज देखते हैं सरकार की तो वो 58 साल होगी इस कैबिनेट रिशफल के बाद। एक जो और कोशिश की गई है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हों जिनको स्टेट्स राज्य सरकारों में कामकाज का अनुभव हो। 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा 18 ऐसे लोग जो कि अलग अलग राज्य सरकारों में मंत्री के पद पर रह चुके हैं और 39 ऐसे जो कि इससे पहले एमएलए रह चुके हैं यानी कि किसी न किसी राज्य में वो विधायक के तौर पर काम कर चुके हैं।
23 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि 3 दफा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, यानी कम से कम 10 साल का उनका अनुभव है पार्लियामेंट के कामकाज का, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी कोशिश ये थी कि ये जल्द से जल्द कैबिनेट रिशफल हो ताकि मंत्रियों को कम से कम 2 हफ्ते तो मिले अपना कामकाज जानने के लिए। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान तमाम तरह के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, उसके लिए उनकी तैयारी हो, इसमें उनको थोड़ा वक्त मिले। और साथ ही साथ जो मुलाकात हुई लोक कल्याण मार्ग में, प्रधानमंत्री नए मिनिस्टर से मिले, कुल मिला के 43 मिनिस्टर्स शपथ लेने वाले, उनको एक जो मैसेज दिया वो ये कि मीडिया से आप कम ही बात कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी ही बातचीत कीजिए, बेवजह फिजूल में आप इंटरव्यू ना दीजिए। हमारी तो शिकायत रहती कि ज्यादा इंटरव्यू वैसे ही नहीं मिलते, और उसमें भी प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं कि आप कम से कम बात कीजिए। राहुल, आपका राजनीतिक अनुभव जो कवर करने के दौरान इन कैबिनेट एक्सपेंशन को रहा है, उसके मद्देनजर क्या माने इस बार तरजीह, एज फैक्टर, एक्सपीरियंस, या फिर आपका जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है उसको दी गई है, या फिर जातीय समीकरण क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है उसको दी गई है? एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि जो अभी की टीम है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आप उन मंत्रियों की श्रेणी पर नजर डालें जिनको कि इस्तीफा देने को दिया गया है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री उनके कामकाज से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जितने जोश से, जितनी एनर्जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये लोग ना काम कर पा रहे हैं, और न केवल काम नहीं कर पा रहे बल्कि अपने काम के बारे में लोगों को भी नहीं बता पा रहे। तो इन दोनों चीज़ों से प्रधानमंत्री नाराज थे। जो परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन हुआ उसमें कई मंत्रियों के कामकाज से प्रधानमंत्री नाराज थे। जब हाल ही में कैबिनेट की बैठक भी हुई उसमें भी प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली तमाम मंत्रियों को कहा कि आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, अगर उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ा तो बाद में मुझे ना कहिएगा। उन्होंने समझाया कि आपको काम जोश से करना है, और अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने लोगों के बाहर निकल के आपको उसके बारे में प्रचार भी करना है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत अहम रहता है। वो नाराज थे। इसके अलावा कई मंत्रियों को प्रमोट भी किया जाएगा, तो न केवल कुछ मंत्रियों को सैक किया गया है, लेकिन जैसे किसी कंपनी में होता है इंक्रीमेंट और अप्रेजल के दौरान प्रमोशन भी रहते हैं। और प्रधानमंत्री ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिन मंत्रियों ने उनके हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है उनमें से कुछ को वो प्रमोट भी करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज कि हमने इस सरकार को देश की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको तवज्जो दी है कि ये गरीबों की सरकार है, वो मैसेज गुम नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस नए कैबिनेट को बनाते वक्त खास ध्यान इस बात पे रहा है कि लगे कि अब की बार ओबीसी सरकार, बार बार जो सरकारी सूत्र है उनके जरिए जो मैसेज आ रहा है वो ये कि सरकार ने कोशिश की है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उन्हें हम लोग अहमियत दें।